रियलमी 10 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इसमें जो चार्जर आपको मिलता है वो 33 वाट का मिलता है, बैटरी 5000 mAh का मिलता है। तो 33 वाट के हिसाब से किस स्पीड से ये चार्ज करेगा इसी के बारे में बात करेंगे। अभी फ़ोन जो है बिल्कुल शट डाउन है। तो यहाँ पे जो चार्जर मिलता है कुछ इस साइज़ का आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको जो डेटा केबल मिलता है वो टाइप सी डेटा केबल देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसे हम चार्ज में लगाते हैं और 0 से 100% देखते हैं कितना देर में ये चार्ज कर पाता है। तो यहाँ पे हमने इसको चार्ज में लगा दिया है, टाइमर ऑन हो चुका है और अभी फ़ोन जो है बिल्कुल शट डाउन है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है और 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे बैटरी जो है 2% करीब करीब चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पे डिस्प्ले का लाइट मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। और देखिए शुरुआती टाइम में ही काफ़ी अच्छा फास्ट चार्जिंग स्टार्ट किया है इसने। अब 5 मिनट कंप्लीट हो चुका, 5 मिनट में बैटरी यहाँ पे 11% हो चुका है, जो कि करीब करीब 1 मिनट में 2% के हिसाब से भी चार्ज कर रहा है। आगे देखते हैं कि इसी स्पीड से चार्ज करता है कि नहीं इसको। 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, 11 मिनट मान लो आप, 11 मिनट में यहाँ पे बैटरी आप देख लो 21% बैटरी जो है इसमें चार्ज हो गया है। थोड़ा देर बाद हम चेक किए थे तो 22% चार्ज हो गया था कुछ सेकंड बाद। 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है, 15 मिनट में बैटरी यहाँ पे 28% चार्ज हुआ है। 30 मिनट यानी आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, जो कि बैटरी यहाँ पे 51% चार्ज हो गया है, जो कि आधा घंटा में आप आधा बैटरी आप कर सकते हैं इजिली चार्ज इसमें। 45 मिनट में यहाँ पे बैटरी जो है 72% तक चार्ज हो गया है। तो चार्जिंग स्पीड इसका देखा जाए अगर तो काफ़ी फास्ट लगा है मुझे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर वर्क चार्जर, तो वो आके ही काम कर रहा है इसमें। और यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हैं 1 घंटा में जो है 90% चार्ज हो गया है। अब मात्र 10% बैटरी बचा है, और 10% बैटरी आपको पता है कि लास्ट का थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट में 2% वाला हिसाब किताब नहीं है, 1 घंटा 14 मिनट में बैटरी यहाँ पे 100% चार्ज हो गया है। लेकिन ये बैटरी 1 घंटा 12 मिनट में ही चार्ज हो गया था, मेरा कैमरा का बैटरी डाउन होने की वजह से हमने आपको दिखा नहीं सका उस समय। तो यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है इसका काफ़ी अच्छा लगा, 1 घंटा 10 मिनट के करीब में इसको आप फुल चार्ज कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा यही है कि 33 वाट का जो चार्जर है इस बॉक्स के अंदर में ही मिल जाएगा आपको, कहीं से बाहर से परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही था इस वीडियो में रियलमी 10 का चार्जिंग टेस्ट। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।